नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हो विक्रम डिलो चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे 1600 मीटर रेस। तो इसके अंदर आपको सब कुछ बताएंगे कि किस चक्कर का क्या टाइमिंग है, किस कौन सा चक्कर कितने टाइम में आया, ये सारी जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और चलो देखो 1600 मीटर रेस को। बिल्कुल ने दिए, जिसमें ऑल इंडिया नंबर रैंक नंबर वन और दोस्तों पहला राउंड खत्म हो गया है। 1-3 का जो है पहला राउंड लगा दिया बच्चों ने। बहुत ही अच्छी पेस लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों 800 मीटर ख़त्म होने की है और वो लगाई है 2:20 की 800 मीटर। अगर हम काउंट करें कि पहला चक्कर 1:03 का था और दूसरा चक्कर आया है 1:17 का। कंप्लीट हो चुकी है, उसका टाइम आया है 3:35 और जो तीसरा चक्कर का टाइम आया है वो है 1:15 का। जो पहला दूसरा चक्कर था, पहला 1:03 का, दूसरा 1:17 का और तीसरा आया है 1:15 का और लास्ट चक्कर। चक्कर तो है भाई बंदे ने।
तो दोस्तों रेस समाप्ति की तरफ है। 2:46 47 48 49 50 51 52 53 बस इतने बच्चे पकड़े हैं, बाकी रह गए तो लगभग 5-6-10 बच्चे पकड़े हैं इसमें फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो अब सेकंड हीट होगी इनकी। तो अब हम बात करते हैं कि सारा जो रेस थी वो इन बच्चों ने कितने या कितने का राउंड लगाया जब जाकर इनका 4:46 आ पाया। दोस्तों जो 400 मीटर थी जो पहला राउंड था वो लगाया 1:03 का, 800 मीटर आई इनकी 2:20 में, जो दूसरा राउंड था वो लगाया 1:17 का, और जो 1200 मीटर रेस थी वो लगाई इन्होंने 3:35 में, जो तीसरा राउंड ले आओ 1:15 का, और जो फाइनल 1600 मीटर रेस आई वो आई 4:46 की, और जो फाइनल राउंड था वो आया है इनका 1:11 का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऐसी टाइम हर रेस का ऐसे ही टाइम बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन मिल सके।